कर रहे हैं, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हो रहा है, टाइम आने पे हो जाता है सब। इसमें हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो केस चला गया ऊपर ना, अभी मोमिन सर कर सकते हैं इसमें जल्दबाजी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जनता के हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि जनता को वो करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ, बहुत ज्यादा इधर उधर जाके बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट करो प्रोटेस्ट करो। अरे प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? चार लोग एक जगह बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होता है चार लोगों से। इतने लोगों ने आना है तो बोलो, प्रोटेस्ट जगह भी वो कर देंगे, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला जाए ना, उसके बाद प्रोटेस्ट करने का कोई वो नहीं है। कोर्ट में बिल्कुल आपको पता है कि कोर्ट की तरह से होगा, उसमें आप प्रोटेस्ट कर लो, मार खा लो, सर फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। हमने बोला था सर को कि सर हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, सर ने बोला प्रोटेस्ट करके क्या कर लोगे, आप लोग क्या कर लोगे, बिल्कुल मामला वो नहीं है कि भाई अभी FIR हुई है या उसमें पुलिस में है, कोर्ट में चला गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं होता है। तो प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, लिमिट उसका एक लिमिट होती है कि कौन से टाइम पे करा जाए। प्रोटेस्ट करके नहीं होता है, हर चीज प्रोटेस्ट से नहीं देखें होता है। यहाँ हमने कोई वो थोड़ी नहीं देना है, कैंडल मार्च थोड़ी नहीं करना है, चुपचाप निकल गए कैंडल पकड़ के और बस चले गए, ऐसे ऐसा नहीं होता है। हमें धरना प्रदर्शन पे और पहले एक जगह चिन्हित करनी पड़ती है, उस जगह के लिए, उस जगह के लिए एक इंसान ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एप्लीकेशन से लेके वहां के नियर बाय जो थाना होगा जहाँ पहले धरना प्रदर्शन करना का है, क्या इतनी जगह से लोग आ पाएंगे, कमाल के इंटरनेशनल केस है, इंटरनेशनल केस पे। हाँ ठीक है, तुम लोग जो बोल रहे हो अपने अपने एरिया में करो, करिए अपने अपने एरिया में, अपने अपने एरिया में करके उसके बाद हम दिखाइए, हमें सोशल मीडिया पे डालिए, क्या हासिल होगा फिर देखते हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है, इस केस में प्रोटेस्ट बिल्कुल भी मैं नहीं मानती हूँ कि अब करना चाहिए। अब प्रोटेस्ट कुछ नहीं होता है, इसकी बहुत बड़ी वो होती है। जिसको प्रोटेस्ट का मतलब नहीं पता है तो बोलिए मत, प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए जिम्मेवार बनना पड़ता है। और कितने टाइम के लिए करना है, कितने दिन के लिए करना है, कितने लोगों ने रहना है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है इसकी। कोई प्रक्रिया को ना वो लेना, कोई भी इसके वो नहीं बनेगा, जिम्मेवार नहीं बनेगा, कोई भी हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि इसके लिए जब दौड़ भाग करनी पड़ेगी इधर उधर, तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। जी भाई, जी, ये जायसवाल साहब हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया, मैं इनको वेलकम करता हूं अल्लाहू टीवी पर। ये कह रहे हैं कि मोमिन मलिक कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आप अगर ऐसा समझते हैं कि मोमिन सर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जैसे ही आपने कमेंट किया है उसी कमेंट में हमें बताएं ये मसला कौन हल कर पाएगा। आपकी, जी अब देखें, आप सवाल उठाया है, मैंने बड़ी इज्जत आबरू से उसका जवाब आपको दिया है, और आपसे सवाल पूछा है कि अगर मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट में लिख दें, उस वकील का हमें बता दें, उस ऑफिसर का हमें बता दें, उस जज का हमें बता दें, उस सियासतदान का बता दें, किसी का बता दें, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो कर लें अगर मोमिन सर नहीं कर पाएंगे। अगर जी आप जवाब नहीं दे कर गए तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और अल्लाह हू चैनल पर एक और बलि चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो जवाब मेरे जायसवाल साहब आपने दे के जाना है, ऐसे नहीं। जी ठीक है, इतना बड़ा आसान है, आप नीचे बैठे कमेंट कर रहे हैं, कोई भी बात करते, मैंने 1000 बार बोला है FIR करवाना कोई मसला नहीं है, किसी पे केस करवाना कोई मसला नहीं है, मेन मसला है उसको साबित करना। किसी के बिल्कुल खिलाफ कंप्लेन कोई मसला नहीं है, किसी भी जगह पे कंप्लेन कर दें आप जाके, लेकिन उसको साबित करना होता है। तो इसी तरह जो आप सवाल कर रहे हैं ना, खास तौर पे जब अल्लाह हू पे आके कोई कमेंट करते हैं जसवाल साहब, तो ये सोच समझ के किया करें कि आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, खाली हम आपकी सुनेंगे नहीं, आपसे पूछेंगे, तो आप बता के जाएं बिल्कुल ये मसला कौन हल कर पाएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा दीदी, एक और चीज जो मैं ये समझता हूं, सूर्या भाई की तरफ से जो लोगों ने ये ज्यादा टेंशन वाली बात जो है वो ली है, वो इस चीज को ऐसे देख लिया करें, हम लोग भी बोलते हैं। और दूसरी बात ये है, प्रोटेस्ट से मुझे याद आया, वो आप उस वक्त गुफ्तगू कर रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपकी बात को काटूं। प्रोटेस्ट कब बनता है वो भी आपको मोमिन सर बता देंगे कि भाई इस वक्त बनता है प्रोटेस्ट,
इस वक्त बनता है बिल्कुल प्रोटेस्ट। देखो बिल्कुल आप एक केस गया हुआ है, उसका अदालत जब फैसला करती है, और अगर वो फैसला मयार पे पब्लिक के पूरा नहीं उतरता, अगर उसके अंदर क्या कहते हैं लॉ के मुताबिक फैसला नहीं किया जाता, मैं ये समझता हूं प्रोटेस्ट या आवाज उठानी उस वक्त बनती है, जहां तक मेरा जी ख्याल है। बिल्कुल उस वक्त आवाज बिल्कुल उठानी बनती है, ये हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने ये फैसला गलत दिया है, इसके खिलाफ इसको चैलेंज किया जाए, तब जाके आपका प्रोटेस्ट जो है वो बनता है, ठीक है। और उसके बाद बहन वाली बात कि यहाँ पर भी यही है, आपको इजाजत लेनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी है मैं यहाँ से निकलूँ आज भी मैं ऐसा जाओ मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। मुकम्मल आपको हुकूमत इजाजत देती है प्रोटेस्ट करने का, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपको इजाजत लेनी पड़ती है, लोगों की तादाद बतानी पड़ती है, कितने लोग होंगे, किस जगह पर आप जी बैठेंगे, वहां पब्लिक डिस्टर्ब तो नहीं होगी, ट्रैफिक डिस्टर्ब तो नहीं होगी, स्कूल आने जाने वाले बच्चे डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, हॉस्पिटल जाने वाले मरीज डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, और भी कोई ऐसे काम है वो कहीं रुकेंगे तो नहीं। तो ये प्रोटेस्ट का एक है, ये थोड़ी है प्रोटेस्ट करने निकलो 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 निकलो, कोई भी ना तो ऐसे निकलेगा, और ऐसे निकले भी कोई ना, कोई अगर बुलाए तो ऐसे कोई निकले भी कोई ना, उसकी वजह ये है कि उसका फायदा नहीं है, उसका जी फायदा नहीं है। तो आप तो माशाल्लाह, हम लोग दीदी कहीं पे कोई चीज ऐसी होती है पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ है, तो हम तो गांधी जी की जो चीजें हैं उनको थोड़ा रीड करते हैं कि उनका जो एक दिमाग था, वो जिस तरह लड़ते थे और जिस तरह जो कुछ करते थे, तो वो तो कमाल है। मैं तो अपने भारतीय बहन भाइयों को यही कहूंगा कि आप गांधी जी का माइंड जरा रीड करके देखेंगे, उनका किस तरह का माइंड था, वो तो खामोशी से और अपनी ताकत से और दिमाग से वो हर काम कर देते थे, और इसी वजह से उन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो खामोशी से और बिल्कुल उसके अंदर जो है वो अपना काम करते थे। तो शोर करने से उन चीजों से कुछ नहीं होगा। दूसरा, मैं अपने देखने वालों को अल्लाह टीवी की तरफ से बताता चलूं, केस तो गया भाई अदालत में, ठीक हो गया, देर हो रही है, होगी, ठीक है, जो भी सत्ता के आए ना, वीजे के लिए इंतजार किया जा रहा है, जवाब जरूर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोर्ट की तरफ से फैसला जरूर होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, फैसला जरूर हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब एक केस लगा हुआ है और उसको 10 साल पता ही नहीं है इस केस का क्या हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडिया और पाकिस्तान की सरकार बात करके कर सकती है। जी जसवाल साहब, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन उसके लिए आपको मैं बताना चलूं कि उसके लिए भी एक वकील की जरूरत होती है, उसके लिए भी एक वकील की जरूरत होती है, दो सफारतखानों में जब आपस में राबता करवाना होता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, और मोमिन मलिक साहब इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक नहीं जी हजारों भारतीय वो पाकिस्तान से इंडिया लेकर गए हैं, और पाकिस्तानी जो है वो इधर लाए हैं, तो ये सफारती ताल्लुक जो है वो भी एक वकील का काम, ठीक है। वो मिसाल के तौर पे अगर अदालत ने गुलाम हैदर को बुलाया है, तो यहाँ का जो सफारतखाना है इंडिया का, उसके अंदर वो सारी एप्लीकेशन जो भी चीजें गई हैं, अब पूरी जारी बात है, उन्होंने जब वीजा के लिए सारे फॉर्म सबमिट किए होंगे, तो उसके अंदर भी एक वकील की जरूरत होगी, और इस काम के लिए इंडिया और पाकिस्तान की सरकार अगर आपस में बैठ के बात करती है, तो मैं ये समझता हूं कि मोमिन मलिक सर इज द बेस्ट वे। आपने अच्छा सवाल, अच्छा अच्छा दिया, मुझे खुशी हुई है जयसवाल जी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, हमारा भी यही कहना है, हमारा भी यही कहना है, उसकी वजह यह है, अगर आप हमारे लाइव देखते हैं तो मैंने और सरिता बहन ने कई बार आप लोगों को बोला है कि बहुत से कैदी इधर भी हैं, कुछ कैदी वहां पर भी हैं, ठीक है, तो
जब ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन होती है इन चीजों के ऊपर, तो उसमें कोई ना कोई फैसला निकल आता है। हमारी सबसे बड़ी टेंशन, मैं ये समझता हूं कि जो चार बच्चे हैं, ठीक है, वो इन तमाम चीजों से, बच्चे जो होते हैं वो आप समझे लाइक बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए कोई सरहदें नहीं होती, ठीक है। चिल्ड्रंस जो है वो बर्ड्स की तरह होते हैं, और वो किसी भी सरहद को क्रॉस कर जाएं या किसी भी बॉर्डर को क्रॉस कर जाएं तो वो इनोसेंट होते हैं। उनके लिए बड़े मामूलात की तरफ जाना, मैं ये समझता हूं कि इसमें फिर इंसानियत नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ इंसानियत नहीं रहेगी। मैं ये समझता हूँ सीमा हैदर है, उसके साथ आप जो मर्जी करें, उठा के जेल में भेजें, उसको जहां मर्जी गर्क करें, हमें उसकी टेंशन ही नहीं। मेन मसला चार बच्चे हैं, चार बच्चे बिल्कुल अपने बाप से मिलने चाहिए।